फ्रेंड्स वेलकम टू ऑन योर चैनल फोकस सिविल वर्क। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का, आई होप बहुत खुश हो गए। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक हमारी वीडियो जिस चीज़ को मैंने लिए वो है मीनिंग ऑफ प्रोपोर्शन एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ये ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट होते क्या हैं। ये जो वह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चीज़ को हर किसी को पता होना चाहिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर, साइट इंजीनियर, सुपरवाइजर। इससे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे हम जो भी कोई काम कराएंगे, कास्ट कराएंगे किसी भी चीज़ की, फुटिंग, कॉलम या स्लैब, वो जब तक हमें ये पता नहीं होगा तो हमारे अंदर एक कन्फ्यूजन सी रहेगी कि हम ये रेशियो है क्या। तो दोस्तों ये पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मेरी वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, स्काइप मत करना और वीडियो को शेयर करना। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों लाइक, कमेंट, शेयर वो आप सब बाद में करना, पहले आप मेरी वीडियो पूरी एंड तक देख लेना। इससे क्या होगा, आपको पता चले, आपको जैसे आपको मेरी वीडियो लगे उसी तरह से आप मुझे लाइक कमेंट दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखना, चाहे सब्सक्राइब चैनल करना या मत करना, जैसे आपको अच्छा लगे उसी के हिसाब से आप मेरा चैनल करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, जैसे आपको अच्छा लगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो पे। हमारी वीडियो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट ये M20, M25, M15 ये क्या होता है और इसमें क्या रेशियो यूज़ होता है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ फुल एक्सप्लेन, ये M25 होता क्या है, ये M25 होते क्या है। तो पहले ये M25 जो होता है, ये होता है हमारा मिक्स, ये मिक्स होता किसका है, ये मिक्स होता है हमारा सीमेंट, कोर सैंड एंड एग्रीगेट। और 25 क्या होता है, ये 25 होता है, ये हमारा होता है करैक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, होती किसमें है ये, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो दोस्तों होता क्या है, ये 25 जो होता है, आप पूछेंगे 25 आया कहाँ से। तो 25 जो होता है, जब ये हम ये जो रेशियो है, तो जब लेबोरेटरी टेस्ट जो होता है वो हमारा होता है क्यूब में होता है, जिसकी डायमेंशन होती है 150 mm × 150 mm × 150 mm। ये इसकी डायमेंशन होती है, और डायमेंशन के बाद जो होता है क्या होता है, इसमें जब हम ये इसका रेशियो हम इसमें जब का बनाते हैं, तो बनाने के बाद हम रेशियो में डाल देते हैं, इसमें सॉरी क्यूब में डाल देते हैं। आफ्टर 28 डेज बाद क्यूरिंग के बाद, आफ्टर 28 डेज बाद जब उसको टेस्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फिर निकालने के लिए, तो जब इस पर लोड अप्लाई करते हैं हम, जब इस पर हम लोड अप्लाई करते हैं, तो लोड अप्लाई करने के बाद जितना इसका नंबर है, यानी कि 25, तो 25 mm न्यूटन पर mm स्क्वायर की जो इस पर लोड अप्लाई होगी, उस लोड अप्लाई के बाद जब तक ये लोड अप्लाई होगा, जब तक लोड अप्लाई के बाद ये क्रैक हो जाएगा। अगर हम इससे ज़्यादा लोड इसकी देते हैं, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम अगर इसे लोड देते हैं तो इसमें क्रैक आ जाएगी। तो दोस्तों क्रैक आ जाएगी, और एक बात मैं आपको नोट करके बता देता हूँ कि ये जो क्रैक आएगी, ये लगभग 95 के चेक करने के बाद आएगी, यानी कि ये इतने इतनी कैपेसिटी होती है कि ये अपने ऊपर इतनी बार लोड सह सकता है, इतना ही लोड जितनी इसकी कैपेसिटी है। पर अगर हम इससे ज़्यादा देंगे, अगर हम 25 न्यूटन पर एम स्क्वायर की जगह हम अगर 35 दें, तो ये इसमें क्रैक आ सकती है। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूँ, ये M25 मैंने आपको बता दिया कि ये M है क्या, ये M मिक्स है किसका, सीमेंट, कोर सैंड, एग्रीगेट, वाटर का। और M25 है क्या, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी, जो इस पर हम अप्लाई करते हैं, जिससे कि हमें इसकी स्ट्रेंथ पता चलती है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी है और कितनी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आज आपको बता देता हूँ कि रेशियो क्या होता है। हमने सुना होगा रेशियो होता क्या है। दोस्तों आज हम अपनी वीडियो मेन चीज़ इसी पे, कि रेशियो हम क्या होता है, इसमें M25 में क्या क्या रेशियो होते हैं, हम कितना सीमेंट लगाते हैं, कितना हम इसमें कोर सैंड लगाते हैं, और कितना हम इसमें एग्रीगेट लेते हैं। तो वो दोस्तों आप सबको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो M25 का रेशियो क्या है दोस्तों, M25 का रेशियो था 1:1:2।
दोस्तों मैं आज आपको बता देता हूँ ये है क्या। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सीमेंट कोर्स एंड सी एस लिख दिया उसको एंड एग्रीगेट। ऐसे ही एम ट्वेंटी का रेशियो क्या होता है, एम ट्वेंटी का रेशियो यूज होता है 1:1, 1.5:3, ये भी यही होता है। एम ट्वेंटी और एम फिफ्टीन, एम फिफ्टीन का रेशियो हम यूज करते हैं दोस्तों, एम फिफ्टीन का रेशियो करते हैं हम 1:4, सेम एम टेन का रेशियो करते हैं 1:3:6। ऐसे ही दोस्तों हम जो एम 7.5 का रेशियो करते हैं 4:8 एंड एम टेन का 5:10। तो दोस्तों ये रेशियो पता होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंस्ट्रक्शन में काम कराने के लिए, किसी भी फुटिंग कॉलम स्लैब को कास्ट कराने के लिए। ड्राइंग में दे दिया गया होता है कि हम इसमें प्रोपोर्शन यूज़ करेंगे एम ट्वेंटी का, तो हमें जब तक पता नहीं होगा कि एम ट्वेंटी है क्या, एम ट्वेंटी में हम क्या 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 मिक्स करते हैं, कितना कितना मिक्स करते हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ कि रेशियो क्या करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये एम ट्वेंटी है, एम ट्वेंटी में रेशो यूज करते हैं हम 1:1, 1.5:3। तो है क्या ये, इसमें क्या क्या, इसमें क्या है, एक आपने देखा होगा साइड पर तसला, तसला तसला होता है, तो हम तसले में उसमें क्या करते हैं, एक तसला होता है उसमें, जब तसला होता है एक सीमेंट वन पार्ट उसका तसला सीमेंट होता है, तसला होता है तो वन पार्ट होता है उसका सीमेंट एंड दूसरा पार्ट होता है उसका कोर्स एंड सी एस में लिख रखा है उसको, और ये जो होता है एग्रीगेट। यानी कि एक तसला, यानी कि एक जो तसला यूज होता है हम उसमें, एक तसला एक पार्ट होता है सीमेंट का और डेढ़ पार्ट होता है उसका सीमेंट का, और सीमेंट के फिर तिगुना होता है एग्रीगेट। तो दोस्तों इसका जो प्रोपोर्शन होता है वो हम जो रेशियो यूज करते हैं वो ये रेशियो यूज होता है, जिससे कि हमें कंस्ट्रक्शन में पता चल जाए कि साइड पे हम क्या रेशियो यूज कर रहे हैं और इस रेशियो में क्या क्या चीज हम मिक्स प्रोपोर्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो इतनी ही थी, जिससे कि आपको मैं आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको पूरा रेशियो ग्रेड ऑफ कंक्रीट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसका सारा आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हम रेशियो यूज़ करते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट में। जितनी वीडियो आपको प्लीज़ समझ में आ गई होगी, और जैसे भी आपको वीडियो लगी वो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर कमेंट जैसे आपको लगे वो आप प्लीज़ कर देना। दोस्तों जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सिविल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आने वाले टाइम में इसमें से कम 500 से 600 वीडियो डेली अप टू डेली डालने वाला हूँ, जिससे कि हमारा जो भी मेरा एम सिर्फ इतनी है कि मैं जो भी ये नॉलेज है सिविल से रिलेटेड वो एक सिविल के बंदे को या लड़के को फ्रेशर को जो कि इंटरव्यू फेस करने से पहले ये सब जो नॉलेज होती है वो उसको पता होना चाहिए, वरना आपको पता ही है कि इसमें बिना नॉलेज के क्या क्या चल रहा है आजकल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको जैसा लगी वो प्लीज़ आप उसी तरह से लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।